अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसा हेयर पैक जिसे लगाने से आपके बाल जड़ से स्ट्रांग और हेल्थी हो जाते हैं। इस हेयर पैक को बनाना बहुत ही आसान है। इस पैक को बनाने के लिए हमको सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पहला इंग्रेडिएंट्स है प्योर हेना पाउडर। बिना मिलावट वाला हेना पाउडर ले लीजिए। हेना की क्वांटिटी को आप अपने बालों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। और अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है हनी। इसको भी अच्छे ब्रांड वाला ले लीजिए। हनी बालों को स्मूथ और सिल्की बनाने में मदद करता है। दो स्पून हनी ले लीजिए। थर्ड अपना इंग्रेडिएंट्स है कॉफ़ी पाउडर। कोई भी ब्रांड वाला ले लीजिए। मैं यहाँ पे दो स्पून के हिसाब से लेकर हूँ। लास्ट अपना इंग्रेडिएंट्स है करी लीव्स। इसको करी पत्ते के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पे फ्रेश वाला करी लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम इस करी पत्ते को मिक्सी जार में ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लेंगे। इसको ग्राइंड करने से पहले हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस पैक को बनाने के लिए आपको फ्रेश करी लीव्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सूखे हुए करी लीव्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसका जूस निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसको एक छोटे जार में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ग्राइंड होते ही अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको वापस दोबारा ग्राइंड करेंगे। स्मूथली ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में इस पेस्ट को फिल्टर करके इस करी लीव्स का जूस को अलग कर लेंगे। अभी हम दोबारा इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। इस सेम प्रोसीजर को हम 4 या 5 टाइम्स करके इसका जूस निकालेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हेना पाउडर। हेना को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम ऐड करेंगे हनी और उसके बाद हम ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन हमको ऐसा वाला थिकनेस नहीं चाहिए। तो इसको इसमें मैं थोड़ा करी लीव्स का जूस ऐड करूँगी और इसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कर दूँगी। अभी अपना हेयर पैक बनके तैयार है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पानी भी नहीं। अभी हम इसको ढक के रात भर छोड़ देंगे और सुबह अपने बालों पे इस पैक को अप्लाई कीजिए और 1 या 2 घंटे के बाद माइल्ड शैम्पू से नहा लीजिए। नहाने के बाद आप अपने बालों को नेचुरल हवा में ही ड्राई कीजिए। बाल अच्छे से सूखने के बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लीजिए। मेहंदी और करी लीव्स के बालों को स्ट्रांग और हेल्थी करने के साथ साथ आपके बालों को शाइनिंग भी कर देते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट आप इस पैक को वीकली 2 टाइम्स लगा लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।